जो अभी बोल रहे थे हमारे मित्र, उन्होंने बहुत सही कहा, यदि हमारी नीयत सही है, जो कानून की व्यवस्था होती है उसका ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन, ऐसी संस्था को, ट्रेनिंग संस्था को भी आप गलत प्रेजेंट कर रहे हैं सर। आईएएस में ट्रेनिंग ये नहीं दिया जाता है कि आप सारा दोष गुड़, आईएएस के पास इतना पावर होता है नैतिक कि वो चाहे तो किसी नेता की बात को ना माने, प्रेशर में ना आए, उनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनको सत्य और न्याय के साथ काम करना है। ये नहीं कि किसी नेता ने प्रेशर में ले लिया तो वो सारे बायलॉज को चेंज करके करते हैं। यही मैं समझा रहा हूं आपको, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, किया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वो डिसीजन सही ना ले पाए जनता के सेवा में है, जो बेचारे ऐसे वहां मौके पे मौजूद ही नहीं थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उस पे तो नहीं बोले, तब तो उस पे क्यों नहीं बोले? उस पे भी बोलो। ठीक है चौधरी साहब, साधारण की बात कर रहा हूं, चौधरी साहब सिस्टम की बात कर रहा हूं, चौधरी साहब, चौधरी साहब एक रुकेंगे थोड़ा सा, घटना की बात नहीं कर रहा हूं, आप जरा थोड़ा रुकेंगे, कितने बड़े मायोपिक मत हुआ करें कि केवल अपनी पार्टी की बात करते हैं, इसकी एक सिस्टम की बात करिए ना। कैप्टन साहब को भी नहीं बोलने दे रहे, एक मिनट रुक जाए चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चलिए आपने घोषित कर दिया ना प्रवक्ता, चौधरी साहब और एक भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे समाजवादी का घोषित करेंगे। आप दोनों थोड़ा सा रुकेंगे, आप दोनों थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा सही है, वो सही है। मैं देखिए, मैं हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं के अंदर से चल रही है, कंटिन्यू करते तो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन बहुत ज्यादा होगा। मुझे बोलने ही नहीं दोगे सर, गलत है तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? अधिकारी एक भी करप्ट एक्ट नहीं करेगी तो आप भी नहीं करोगे, ये कहना है सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो टॉपिक है। अगर किसी आदमी ने, किसी नेता ने जीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है तो उसके बारे में बोलिए ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर बोलिए। आप तो नहीं, एक एक, एक एक की तरफ जो सवाल उठाया गया, जो एक एक की तरफ से सवाल उठाया गया, इस कॉन्सेप्ट पर रिजल्ट क्या होगा वो डिफरेंट चीज है। मैंने पहले ही बोला, इंप्लीमेंट करने पे 100% रिजल्ट नहीं आता सर, आपके गवर्नमेंट में भी करप्शन था। मेरा केजरीवाल, सवाल ये है सारे लोग मिल गए, ये बोलिए कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपका जवाब तो दे दूं। हां बोलिए, ठीक है। आपने एक मिनट, मिश्रा जी बैठे हैं और यदि मेरी बात गलत हो तो निश्चित रूप से बोलेंगे। और माना जा रहा है कि आज का उनका ये औचक निरीक्षण उसी का एक उदाहरण है। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एके मिश्रा पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी से हम पूछ लेते हैं, एके मिश्रा जी, जब कहा जाता है कि कोई सरकार भ्रष्टाचार पर, जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही चलना चाहती है, तो कह देना आसान होता है। कई सरकारें इस तरह की बात कहती रही हैं, लेकिन उस नीति पर चलना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पर योगी सरकार की जो नीति है, जो इरादा है, जो मंशा है, उसमें कितनी कठोरता आप देख पा रहे हैं। गौरीशंकर जी, देखिए आपका जो ये प्रश्न है ना, ये बड़ा आधारभूत जो है, मतलब प्रश्न है, एकदम स्तंभ का प्रश्न है। उसका कारण है, देखिए क्या होता है, जितनी भी डेवलपमेंट इन सब चीजों की बातें होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन को करेक्ट करने की बातें होती है, सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, मायावती या किसी की, सबसे पहली चीज होती है ना कि ईमानदारी के साथ आपका संकल्प, कि आपके मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे करनी है। इस सरकार में यानी योगी जी के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो जो सबसे बेलगाम होकर चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत सारे नेचुरल बैरियर होते हैं, रिजल्ट हो सकता है एक्सपेक्टेड ना हो, लेकिन इस चीज में कोई दो राय या शक नहीं है कि जीरो टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके मामले में मुझे योगी जी बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ दिख रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक है। आप पास्ट में देखिए, जब गुंडे बदमाशों का इनकाउंटर शुरू हुआ तो लाख क्रिटिसिज्म होने के बाद, प्रेशर होने के बाद भी इन्होंने रोका नहीं, वो उसको करते रहे। सबसे पहली जो है जरूरत होती है किसी भी देश प्रदेश की, कि लोगों के मन में सुरक्षा की फीलिंग हो, सबसे ज्यादा सेफ्टी की, वो उन्होंने बहुत ही निश्चित तरीके से जीरो टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट पे किया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन की जरूरत है, जो इन्होंने औचक निरीक्षण किया। हाँ। मुझे लगता है औचक निरीक्षण का सिलसिला जो है दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने किया। हाँ, मतलब नई बात नहीं है। महा महीने दो महीने के बाद वो टाटा फिस हो गया। हाँ। वो एक राजनीतिक स्टंट था, लेकिन यहाँ पे योगी जी का जो अगर देखा जाए, बिहेवियर देखा जाए, वो मुझे लगता है कि ये दृढ़ प्रतिज्ञ है। यही यही तो अंतर है, ये दृढ़ प्रतिज्ञ है और यही तो अंतर, यही फर्क है बिहेवियर में। हाँ, अगर देखिए ये जो है कि किसी की मंशा कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, इस बिहेवियर के आधार पर
बिल्कुल इस व्यवहार के आधार पर समझा जा सकता है। एक फर्क और है, इसके पहले की सरकारों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके अपने राजनीतिक या पर्सनल फायदे के लिए यूज किया। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले की जो सरकारें थी, अब अभी एक विवाद उठा था मुलायम सिंह यादव और जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे अमिताभ सिंह, उनके बीच विवाद सही है गलत है डिफरेंट चीज है, लेकिन उससे मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि किस तरीके से चीजों को पर्सनलाइज करके सरकारें काम करती हैं। सरकार और सरकार का सिस्टम जनता की प्राथमिकता को देख करके जो है काम करना चाहिए और उसको जो है उस जॉब पे या ड्यूटी पे लगाना चाहिए, और ये इसके लिए कॉन्सेप्ट जीरो टॉलरेंस का ही चाहिए, तभी जाके विकास होगा या सुरक्षा और संरक्षा की बात होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीरो टॉलरेंस का एक कॉन्सेप्ट सारे सरकारी कर्मचारियों में, जनता में, पुलिस अधिकारियों के बीच में एक एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि योगी जी सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपकी तरफ से कही गई, लेकिन एक बात देखिए, एक बात मैं भी समझने के लिए फिलहाल बहुत तैयार नजर नहीं आता हूं। मुझे लगता है कि और मेहमानों से बातचीत करेंगे तो शायद मैं भी इस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल लूंगा। बहुत एक अच्छी बात आपकी तरफ से कही गई है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो किस तरह से एक बड़ा हवा खड़ा किया गया, किस तरह से एक बड़ा बवाल खड़ा किया गया, और हर रात में जो है मालूम चला कि किसी शेल्टर हाउस में जा रहे हैं, रैन बसेरा में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में छापा मार है ना, तरह तरह की चीजें हो रही थी, लेकिन चार पांच छह महीने के बाद पूरी शांति दिख रही है, कहीं कोई कुछ नहीं है ना। नेताओं से अगर पूछिए तो हंस करके जवाब देते हैं। जो अभी बोल रहे थे हमारे मित्र, उन्होंने बहुत सही कहा, यदि हमारी नीयत सही है। अभी जहां तक मैं देख रहा था, सुन रहा था, हमारे बड़े भाई मिश्रा जी, मैं सम्मान करता हूं, इनका बहुत ही वरिष्ठ हैं और काफी मैं सम्मान करता हूं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। मिश्रा जी बैठे हैं और यदि मेरी बात गलत हो तो निश्चित रूप से बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ही दिन के अंदर जेल क्यों नहीं भेजा? आप जो दोषी था सर, आप एक्शन मूड के बारे में बोलिए ना, जीरो टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बोलिए। आपके टाइम पे कौन सा करप्शन फ्री हो गया था या किसी पार्टी के टाइम पे? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो टॉपिक है कि अगर किसी आदमी ने, किसी नेता ने जीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है तो उसके बारे में बोलिए ना। कॉन्सेप्ट के ऊपर बोलिए, आप तो एक एक की तरफ जो सवाल उठाएंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एक एक की तरफ से सवाल उठाएंगे, इस कॉन्सेप्ट पर रिजल्ट क्या होगा वो डिफरेंट चीज है। मैंने पहले ही बोला, इंप्लीमेंट करने पे 100% रिजल्ट नहीं आता सर, आपके गवर्नमेंट में भी करप्शन था। मेरा केजरीवाल सवाल ये है, सारे लोग मिल गए ये बोलिए कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपका जवाब तो दे दूं। हां बोलिए। यहां तक आपने, एक मिनट जी, जी बोलिए। यहां तक आपने कहा केजरीवाल जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, लेकिन आपने कहा, उसका जवाब देना चाहता हूं। जहां तक आपने कहा कि भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जब से सरकार आई है, सर मैंने भ्रष्टाचार नहीं बोला था, आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, सुनिए, मैंने बोला था जी, कैमरे देख के बात करें, कैमरे देख के स्टैंड लेकर आ गया, बोलने तो दीजिए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया केजरीवाल जी की दिल्ली के अंदर सरकार आई है। कंटिन्यू करते तो एक भी अधिकारी करप्शन बहुत ज्यादा होता, मुझे बोलने ही नहीं दोगे आप सर, गलत है तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? अधिकारी, एक भी कर्मचारी, एक भी क्लर्क एक रुपया लेने की हिम्मत नहीं करता जिस दिन से केजरीवाल सर। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं बोल रहा हूँ, आपने क्यों नहीं किया अपने गवर्नमेंट ने? लेकिन जो भी आदमी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ले रहा है, ये अच्छी चीज है। आप बीजेपी या समाजवादी, देखो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं देखिए, मैं ये गलत बात सर, आप मुझे प्रवक्ता बना दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, तब आपको संतोष। चौधरी साहब रुकिए, एक मैंने तारीफ की आम आदमी पार्टी की, चौधरी साहब मैं हर पार्टी का विरोध करूंगा जो करप्शन के खिलाफ है। एक एन चौधरी साहब थोड़ा सा रुकिए, मैं देखिए, मैं हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं इधर आप देखिए, मेरी तरफ देखिए, 10 वादे मेरे पास है, मैं अभी इनको समझाइए ना, हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, 10 वादे क्या, अरे हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, मैं कभी कोई चर्चा को आप लोग जो है गलत दिशा में ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चलिए हम कैप्टन द्विवेदी जी के पास चलेंगे, थोड़ी सी शांति बनाकर सुन लीजिए आपकी बात, सुनने दीजिए द्विवेदी साहब मैं इतना जानना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि नौकरशाही पर नकेल कैसे कसी जाए, उसका जवाब आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया कि जो गलत है उस पर नकेल कसो, नहीं तो नौकर, एक से एक नौकरशाह है, एक लोगों ने देखिए कितने सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। और दरअसल आपको नहीं लगता कि पिछले 1.5 साल में इस परिवर्तन को, इस
कॉन्सेप्ट को योगी सरकार समझने की कोशिश कर रही है कि राज्य पूरे राज्य को पूरे प्रदेश को प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली जाए। अच्छे नौकरशाहों की एक तरह से खोज है, योगी सरकार खोज रहे हैं कि अच्छे नौकरशाह हमारे लिए कौन है। क्या एक कवायद के तौर पर देखा जा सकता है कि योगी सरकार की तरफ से ऐसी चीजें हो रही हैं? गौरीशंकर जी, इसको मैं दो पार्ट्स में करके करूंगा। नौकरशाह जो आता है वो यूपीएससी का एग्जाम दे के आता है, उसका आईक्यू लेवल जो होता है एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी परीक्षा पास करके आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उसको हम लोग, मैं डायरेक्टर था यहाँ यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, तो जो नए बैचेज आते थे आईएएस और पीसीएस के, उनको हम लोग ये सिखाते थे कि अपने को कैसे कंडक्ट करना है पब्लिक के बीच में, और आप नौकरशाह नहीं है, आप जन सेवक हैं, आपको सेवा की भावना से काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है कि हम घोड़े के तौर पे चलते हैं और घुड़सवार जो होता है वो हमको दिशा निर्देश कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो एग्जीक्यूशन करता है, जो कानून की व्यवस्था होती है उसका ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन। ऐसी संस्था को, ट्रेनिंग संस्था को भी आप गलत प्रेजेंट कर रहे हैं सर। आईएएस में ट्रेनिंग ये नहीं दिया जाता है कि आप सारा दोष घुड़ता। आईएएस के पास इतना पावर होता है नैतिक कि वो चाहे तो किसी नेता की बात को ना माने, प्रेशर में ना आए। उनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनको सत्य और न्याय के साथ काम करना है। ये नहीं कि किसी नेता ने प्रेशर में ले लिया तो वो सारे बायलॉज को चेंज करके करते हैं। यही मैं समझा रहा हूं आपको, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। अगर ठीक काम किया, ठीक काम किया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वो डिसीजन सही नहीं ले पाए, जो बेचारे एसओ वहां मौके पे मौजूद ही नहीं थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसमें तो नहीं बोले, तब तो उसमें क्यों नहीं बोले? पूरी बात उनके सुन तो उसमें भी बोलो। ठीक है चौधरी साहब, साधारण की बात कर रहा हूं, चौधरी साहब सिस्टम की बात कर रहा हूं। चौधरी साहब, चौधरी साहब एक रुकेंगे थोड़ा सा, घटना की बात नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा रुकेंगे, कितने बड़े मायोपिक मत हुआ करेंगे केवल अपनी पार्टी की बात। एक और चौधरी साहब थोड़ा रुकेंगे, एक और चौधरी साहब दोनों रुकेंगे। देश और प्रदेश की एक सिस्टम की बात करिए ना, कैप्टन साहब को भी नहीं बोलने दे रहे। एक मिनट रुक जाए चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चलिए आपने घोषित कर दिया ना प्रवक्ता। चौधरी साहब और एक भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे समाजवादी का घोषित करेंगे। आप दोनों थोड़ा सा रुकेंगे, आप दोनों थोड़ा सा रुकेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद किस तरह की चुनौतियां भी और सामने आने वाली है, उन चुनौतियों की बात तो कर ले राणा साहब। चुनौतियां हैं, अगर हैं तो बताएं। आम जनता भी इस बात को जानना चाह रही है कि किस तरह की चुनौतियां सामने आई हुई है। गौरीशंकर जी, चुनौतियां हैं और चुनौतियों से अगर व्यक्ति के पास हिम्मत है, उससे लगन है उसके पास और नीयत उसकी साफ है, तो मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती जो है वो आदमी को रोक सकती है, विकास को रोक सकती है। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी ताकत होता है। मुख्यमंत्री, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि सुधरने का अवसर दिया, अच्छे लोगों का सम्मान किया, चाहे जिस क्षेत्र के हों। और जो लोग उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाने के लिए अपनी डिलीवरी दे रहे हैं, उनके लिए हर प्रयास, हर काम करने की हमें नहीं है चुनौती। लेकिन लेकिन ये 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 चौधरी साहब, ये चीजें तब होती हैं जब आप 20 घंटे जगकर काम करते हैं। नहीं सर, ये विदेशों में जाएंगे, बंगले बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, हमारे देश में क्या चुनौतियां हैं? जब आप चुनौतियां बता रहे जाएंगे, जिले और थाने नहीं बेचेंगे, तब जो है इन चुनौतियों से निपटा जाता है। जब आप थाने बेचते हैं, जिले बेचते हैं, अधिकारियों को बेचते हैं, खेत नहीं बेचे, ठीक से नहीं पहचान पाए, अपराधी बताइए पकड़ा ना गया हो। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी जिला अध्यक्ष को करोड़ों के अधिकारी कुएं में भांग मिला दी गई हो, ज्यादातर लोग भ्रष्ट हो गए हैं, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, गवर्नमेंट नेता से लेके नीचे बाबू तक। सबसे बड़ी चुनौती है कि जब कुएं में भांग मिला दी गई हो, सारे लोग करप्शन में मस्त है, तो
इस बिहेवियर को, इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इंप्लॉइज जो होते हैं उनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर होता है, उसको करेक्ट कैसे किया जाए, और ये एक वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। हमने, हमें अपने देश और प्रदेश में एक मोरल डेवलप करना पड़ेगा, तो, जो कि यही तो कह रहे हैं योगी, सबसे बड़ी चुनौती है राणा साहब, यही तो कह रहे हैं कि योगी देखिए सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं योगी जी, कर रहे हैं। गौरी शंकर जी, एक सेकंड का समय मुझे नहीं, बोलिए आप, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बोलिए आप राणा जी, मैंने राणा जी, मैंने आपको सुना है, आप बंगले बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो नहीं हो पाएगा। राणा जी मैंने आपको सुना है, एक मिनट के लिए बोलना मत, आपने अभी केवल एक ही जवाब पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि और तो समय इतने निकल जाएगा। आपने अभी कहा, आपने अभी कहा, कैमरा में देख के बात कीजिए, योगी जी, योगी जी ने बोलते रहिए, योगी जी ने जो है बंगले डेकोरेशन कराने थे, अन्य और बहुत सारी सुविधाएं जो आपने अभी जिक्र किया, लेकिन मुझे केवल एक आप जवाब दे के जाइएगा यहां से, अगर वो इसी तरीके से पैसा बचाना चाहते थे तो एक जो विधायक हैं उनको, जो मुख्यमंत्री जी के जो बंगले हैं, जो मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को दिए जाने चाहिए, उनको वो बंगले क्यों आवंटित कर दिए गए, उनको वो सिक्योरिटी क्यों आवंटित कर दी गई, जिसको एक विधायक को एक केवल और केवल एक सिक्योरिटी गार्ड मिलना चाहिए, उनके आगे पीछे दो दो तीन तीन जिप्सियां, नहीं नहीं आप, नहीं मेरी बात नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, बोलने उनका नहीं, वो हमें पता है, नहीं 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 पता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आप लोगों ने कितना रायता फैलाया, आप लोगों ने कितना रायता फैलाया, राणा साहब इसका क्या जवाब, राणा जी इसका जवाब कोई भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश की कोई भी जनता इसका जवाब दे सकती है। आपने तो केवल जब उन्होंने कहा कि आप अपनी गलती कोशिश कर रहे हैं, चौधरी साहब राणा जी, आप अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक ऐसा सवाल हुआ, एक सवाल, एक सवाल उत्तर प्रदेश की और मंत्री के साथ सब मंत्री होते थे, पार्टी रहने का तरीका क्या था, पहले का कल्चर यही था, राणा जी एक विधायक उनके साथ 25 गनमैन चल रहे हैं, कैप्टन कैप्टन द्विवेदी जी के पास चलते जवाब दे, चलिए ठीक है मैं समझ गया सवाल आपके पास, दरअसल इस सवाल का मतलब ही नहीं कुछ हुआ चौधरी साहब, जिस चीज में आप लिप्त थे वही सवाल आप दूसरे सियासी पार्टियों से कैसे पूछ सकते हैं, देखिए सवाल गलत है तो गलत है, अगर बीजेपी ने गलत किया तो वो भी गलत है, ये कहा कि उन्हें डेकोरेशन नहीं कर रहे, चले मैं लोगों को नहीं कर रहे, मैं उस बात पर रहने जी से पूछा, चले फाइनल वर्जन मैं एक लेना चाहूंगा, बहुत ही ऑनेस्ट वर्जन, थोड़ा सा रुक जाए संजीव चौधरी जी, राणा साहब अभी थोड़ा सा सुने, कैप्टन द्विवेदी से अंतिम सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, द्विवेदी साहब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, देखिए जब कार्रवाई होती है बड़े अधिकारियों पर तो आम जनता को, देखिए एक जो कॉन्सेप्ट है, एक माइंडसेट जो बनता है आम जनता के दिमाग में, दो चीजें आती है, पहला कि हाँ सीएम साहब बहुत ही एक्शन मोड में है, जो गलत अधिकारी है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, बहुत ही सही काम हो रहा है, दूसरा जो माइंडसेट बनता है कि जिन पर कार्रवाई हुई क्या वो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल माइंडसेट था, ये दो चीजें दिमाग में आती है आम जनता, लेकिन आम जनता दरअसल जब बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो आम जनता को सुकून मिलता है, आम जनता को लगता है काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो या ना हो लेकिन तभी उसे लगता है काम अच्छा हो रहा हो। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं ओवरऑल क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी बदलने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वही दिख रही है इस वक्त योगी सरकार के सामने, क्या लगता है किस तरह का पैटर्न है, इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है कैप्टन साहब? गौरी शंकर जी, ब्यूरोक्रेसी बदल जाएगी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ। अभी हमारे एक वक्ता आपके यहाँ से बोल रहे थे स्टूडियो से, हाँ, कि जो गलत ऑर्डर्स होते हैं उस पर स्टैंड लेना चाहिए, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, किसी प्रदेश में पीके मिश्रा साहब चीफ सेक्रेटरी थे और उनको एक गलत फाइल करने को कहा गया, उन्होंने फाइल के ऊपर अपना रेजिग्नेशन लिख करके और सीधा मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज दिया। यही तो अपेक्षित है आईएएस लोगों से, इस प्रकार यही आदर्श तो अपेक्षित है जिसके लिए मैंने आपका विरोध किया था, नहीं तो अपेक्षित है ना सर? आप जरा सा आवाज कम करके बोले, मैं सुन ले आप मेरी बात को, आप कैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग रोज देखते हैं सर, प्लीज ये शब्द मत बोलिए, आप ये जान ले कि पूरे ब्यूरोक्रेसी सर, ये शब्द मत बोलिए, और मैं समझता हूँ बड़े हैं आपका सम्मान है, हम आपसे सीख रहे हैं, आपकी गरिमा को मैं सर अपनी, मानता हूँ, नहीं अपनी अपनी बात रखने दे, कैप्टन साहब को बोलने दे, बोलिए कैप्टन साहब आगे बोलिए। गौरी शंकर जी, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं,
एक जनरल सेंटेंस कर देना कि पूरी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है और कुएं में भांग घोल दी गई है, इससे मैं कदापि सहमत नहीं हूं और ना ऐसा सिस्टम है। गलत इंटरप्रिटेशन है। यहां पे अच्छा रिजल्ट देने वाले लोग हैं, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा कैप्टन साहब। और दरअसल कैप्टन साहब इसी कैप्टन साहब ऐसा इस वक्त प्रतीत होता है कि इस वक्त योगी सरकार इसी माइंडसेट के साथ चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सिस्टम मिला है उसमें कई तरह के करेक्शन करने की जरूरत है। और जब करेक्शन हो रहा है तो कहा जा रहा है कि एक्शन मोड में है कि ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए आप। सर जनरल स्टेटमेंट नहीं है, जनरल इंटरप्रिटेशन है। मेरे कहने कि मैं इस चीज को मानता हूँ कि कितने ऑफिसर्स ईमानदार हैं, हर जगह ईमानदार लोग हैं, उनकी संख्या इतनी कम हो गई है, पूरा माहौल इतना दूषित हो गया है। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है तो वो माहौल में जाके खुद जो है वो गलत बन जाता है, उसके ऊपर प्रेशर ऐसा होता है। सारे लोग इतने दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं माहौल। चलिए ठीक है, चलिए एक साहब ठीक है, अपने अपने सबके अपने अपने विचार है। कैप्टन द्विवेदी, चारों मेहमान हमारे साथ बने होते, एके मिश्रा और साथ ही साथ संजीव चौधरी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।